हेलो एवरीवन, और आज हैप्पी दिवाली आप सभी को। और आज मैं दिवाली के दिन आप लोगों से अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, मतलब आज दिवाली के दिन हम लोगों के घर में क्या होता है। और ये रात को रंग बिरंगा लाइट से पूरा घर सजा हुआ है हम लोगों का, चारों तरफ रंग बिरंगा लाइट लगा रहता है। और मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत मतलब ये ड्रिंक कर रहे हैं, पहले तो ज़्यादा करते थे, अभी आज के दिन थोड़ा सा उनका दिल किया कि बियर पीने का। और शाम को हम लोग यहाँ पे कैंडल जला रहे हैं दोनों मिलके, पति पत्नी प्यार से हम लोग कैंडल जला रहे हैं। और कुछ ये अच्छा वाला कैंडल लाए थे वो मतलब गेट के सामने रखने के लिए। और ये सब छोटा छोटा कैंडल है जो घर के चारों तरफ, मतलब घर मेरा काफ़ी बड़ा है तो घर में चारों तरफ भर देती हूँ मैं कैंडल से, और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है पूरा भर भर के मैंने कैंडल लगाना। और ये तो हर दिन करते नहीं हैं हम लोग कैंडल लगाना, साल में एक दिन करते हैं, तो मुझे लगता है कि पूरा भर भर के ही लगाना चाहिए। और हम लोग के मम्मी के घर में भी कैंडल जलता था, मतलब कैंडल मतलब ऐसा कैंडल नहीं, दिया जलता था जिसमें कि तेल और जो कॉटन डाल के जलाया जाता है वो सब, तो मेरी मम्मी बैठ के अच्छा से व्यवस्था करती थी तब वो जलाया जाता था। तो पहले होता था हम लोगों के घर में, लेकिन यहाँ पे जब मैं शादी करके आई तब से तो ये कैंडल ही जलता है, तो इसलिए मुझे वो आया भी नहीं और उसमें काफ़ी झमेला लगता है। तो मुझे लगता है कि चलो यही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घर में काम भी बहुत ज़्यादा रहता है मेरे ससुराल में, मतलब लोग तीन ही हैं लेकिन फिर भी घर में लगता है कि घर मेरा इतना बड़ा है और घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग चले आए हैं, नीचे मैं रख चुकी हूँ सारे मतलब कैंडल वगैरह, और हम लोग चले आए हैं बैलकोनी को सजाने। और इस बैलकोनी में मैंने कैंडल सजाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, जितना ज़्यादा भरो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है कैंडल। और नयन और मैं दोनों मिल कर के हम लोग पूरा बैलकोनी को सजा रहे हैं कैंडल से, और बहुत ही अच्छा लगता है ये, मतलब एक दिन कैंडल का ये जो त्यौहार है। और हर साल काफ़ी बाजी फटाया करते थे मेरे हस्बैंड, लेकिन इस बार मैं मना कर दी कि नहीं रहने दीजिए, क्योंकि पॉल्यूशन को देखते हुए हर किसी को कोशिश करना चाहिए कि जितना कम फटाया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि काफ़ी पॉल्यूशन हो जा रहा है और हर चीज़ में पॉल्यूशन है, यहाँ तक कि हवा में भी पॉल्यूशन हो जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बच्चों को भी मतलब इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जा रहा है कि धूला से मैंने उन लोगों को एलर्जी हो जा रहा है, हवा से एलर्जी हो जा रहा है, हर चीज़ से मैंने एलर्जी हो जा रहा है। और मैंने आदमी करे तो क्या करे, और हम लोगों का आगे का जो जेनरेशन है वो काफ़ी मतलब मुश्किल में है और क्या। तो इसलिए जितना हर इंसान से अपना अपना सोच है, हर साल ही हम लोग फटाते थे लेकिन इस साल नहीं फटा रहे हैं, यही सोच करके मैंने मना किया और फिर वो मान भी गए। तो चलो ठीक है, मन में एक ठो शांति मिलता है कि किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो चलो इतना तो किए, तो कुछ अच्छा सोच के ही लगा कि चलो इस बार बाजी नहीं फटाते। ऐसे तो बाजी फटाने से बहुत सारे लोगों का रोजगार भी चलता है, बाजी बनाते हैं वो लोग, लेकिन कुछ करने का नहीं है, हर किसी का तो जीवन यहाँ पे खतरे में है बाजी मतलब फटाने से, क्योंकि हवा ही जब पॉल्यूट हो जाएगा तो कुछ करने का नहीं है, तब तो हर जगह ही आप लोग समझ ही पा रहे हैं और मैं ज़्यादा क्या बोलूँगी। और यहाँ पर हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, नयन नहीं करता है लेकिन आज मैंने उसे कहा, वो काफ़ी डरता है आग से, मतलब उसको वो कभी किया नहीं है और उसका हाथ भी कभी कभी जल जाता है तो इस डर से वो करता नहीं है। और फिर मैंने उसे कहा कि नहीं जलाओ, जलाना ही पड़ेगा, इसलिए वो आग लगा रहा है, मतलब कि कैंडल को जला रहा है एक दूसरे से। और हम लोग यहाँ पे इस तरह से दिवाली मनाते हैं, मिठाई दिवाली मैंने, और पूजा हम लोगों के घर में मतलब गणेश लक्ष्मी का पूजा नहीं होता है हम लोगों के घर में, मतलब मेरी सासू माँ का ही पूजा करते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो भगवान नहीं मानते हैं और इसीलिए बस वही पूजा कर लेते हैं। और मैं पूजा वगैरह ज़्यादा नहीं करती हूँ, ज़्यादा नहीं मतलब मैं पूजा वगैरह करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी आलसी टाइप की हूँ तो इसलिए मैं पूजा नहीं करती हूँ, क्योंकि पूजा करने के लिए सब तैयारी करो पूजा का, और फिर मुझे डर भी लगता है एक पूजा से कि कहीं कुछ भूल हो गया या गलती हो गया तो फिर और एक
पेपर में मैं बहुत कुछ सुनती हूँ कि ऐसा वैसा, तो ये भी बात है कि डर भी लगता है और आलसी भी हूँ। और फास्ट वगैरह तो मैं और भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं काफ़ी भूखा टाइप की हूँ, तो इसलिए खाना देखते ही मुझे भूख लग जाता है। और ये था मेरा लुक आज का, मतलब दीपावली के शाम का। सारा दिन तो काम करने में ही बीत गया और जल्दी जल्दी दिन का लंच किए हम लोग। और लंच में मैं बनाई थी कटहल आलू का सब्जी, जो कि दूसरे वाले रेसिपी वाले चैनल में मुझे छोड़ना है। और ये मिठाई वगैरह पंचभोग का है, जो सारे रिलेटिव के यहाँ या आस पड़ोस में वहाँ पे देने का है, और सारे मेरे हस्बैंड ही करते हैं वो सब। और ये मेरे हस्बैंड दिन में माला से, मतलब माला मतलब ये फूल माला से पूरा घर को सजाते हैं, ये उनका काफ़ी शौक रहता है। जब से मैं शादी करके आई हूँ देखती हूँ कि मतलब वो पूरा घर को एकदम फूल माला से भर देते हैं आज दीपावली के दिन। तो ये सब उन्हीं का डिपार्टमेंट है, सुबह फूल वाला दे के चला जाता है ये फूल, और फिर वो पूरे घर को अच्छी तरह से सजाते हैं। तो माला माने फूल गुलों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिससे कि अच्छा से वो सजा पाए, और अभी वो सब अच्छा से मैनेज कर लेंगे। उसके बाद नयन और वो मिलके, दोनों जन मिलके सजा रहे हैं यहाँ पे, मतलब गेट पे लगा रहे हैं। और दोनों गेट जो मेरा है वो फूलों से पूरा भर गया हुआ था। और ये फूल 2 दिन 4 दिन तक ताज़ा भी रहते हैं क्योंकि ठंडा का दिन है, तो ताज़ा तो वैसे ही रहना है। तो 2 4 दिन तक और बहुत अच्छा लगता है ये फूल वगैरह उस तरह से वो लोग सजाते हैं। तो साल में ये एक दिन बहुत अच्छा से सजाते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग कंप्लीट हो गया और मेरा घर पूरा सज गया। आप लोग भी इंजॉय करिए।